सहाने अबायास एंड हिजाब सेंटर। यहाँ पर तमाम ब्रांडेड और बेहतरीन क्वालिटी के हम अकसाम के ब्रांडेड बुरखे और हिजाब कम से कम और वाजबी दामों पर दस्तियाब है। आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं, हमारी शॉप तिलक रोड एबिट्स पर मौजूद है और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके रब्ता कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8125361079। आदाब मौजूद नाज़रीन, आप तमाम का EET तेलंगाना न्यूज़ में खैर मकदम है। आजकल इस खतरनाक वबा के चलते जो लोग रोड पर भीख मांग रहे हैं, इस पर काफ़ी नज़र रखने के बाद सोशल वर्कर सफिया माही मैडम ने मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि ये भीख मांगने वाली खवातीन अपने मासूम बच्चों पर लापरवाही कर गाड़ी चलाने वालों को मुलजिम साबित कर रहे हैं और इनसे पैसे ऐंठ रहे हैं। रातों में मासूम बच्चों के साथ रोड पर भीख मांगने वाली खवातीन ने तमाशा खड़ा कर दिया। पेश है 18 तेलंगाना न्यूज़ से ये खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलो नीलोफर चलो। बच्चों को मच्छी कुछ पकड़ी जा रही है, मैं रोगा हूँ तो मैं कुछ और बताऊँगा। बच्चा गिर गया तो हम कहाँ गए होंगे? अच्छी बोल रहे हमारे बच्चे, बोले अभी थोड़ी देर पहले वो औरत के बच्चे बोले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सफिया माई सोशल जस्टिस वुमन से नेशनल एंटी क्राइम से तेलंगाना प्रेसिडेंट। आज यहां पर हम लोग चंद्रायन गुट्टे पे से जा रहे थे। ये लोग भिखारनियाँ जितने भी रोडों पे बैठे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, सिग्नल जैसा रुकते इनके बच्चों को छोड़ दे रहे, और वो बच्चे 2 साल का बच्चा भी है तो नशे का आदी है। सडनली ये लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ियों के सामने गिर जा रहे। गिर के वो गाड़ी वालों को ब्लेम कर रहे क्या, इतने पैसे दो उतने पैसे दो। हम लोग भिखारियों को ये रोड पे मंगने वालों को रोक रहे तो लोगों को तकलीफ हो रही थी। आज ये लोगों का क्या बोलते, और इन लोगों की हरकतों के वजह से कई ऐसे बच्चे एक्सीडेंट में बच्चों की मौत हो जा रही। हुकूमत से हमारी गुजारिश है, कमिश्नर साहब से हमारी गुजारिश है, KCR साहब। यहाँ पर आप जो आए थे, एरिया कौन सा है मैडम? ये चंद्रायन गुट्टा चौरस्ता है। ऐसे कितने इंसिडेंट्स आप दिन में देखने को आपको मिल रहे हैं? दिन में ऐसे कई इंसिडेंट्स है जो सिग्नल गिरते ये लोग इनके बच्चों को छोड़ दे रहे। अभी क्या हुआ था मैडम? अभी ये लोग सिग्नल गिरते इनके बच्चों को छोड़ दिए। वो लोग क्या, बच्चे गाड़ी के आड़े आके गिर के सर को मार लग गया बच्चे के, और अगर गफलत थोड़ी भी, बच्चे की गाड़ी फास्ट रहती तो बच्चे की जान भी जा सकती थी। और हम लोग ये बुरखे वालों को रोक रहे, ये भिखारियों को रोक रहे तो लोगों को तकलीफ़ हो रही, ऐसे उसमें मासूम बच्चों की जान चले जा रही। हुकूमत से हमारी गुजारिश है, कमिश्नर साहब से हमारी गुजारिश है कि बिगर्स के लिए कुछ लोग के लिए शेल्टर आप करिए ये रोडों को। इससे पहले आप लोग बिगर्स के लिए रोडों पर बैठने के लिए लोग को पाबंदी लगाए थे, और आज भी हुकूमत से हम गुजारिश कर रहे हैं कि बेगर्स के वजह से इनकी जान जा रही है, मासूम बच्चों की जान जा रही और मासूम बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा। 2 साल की उम्र से लोग बच्चों को नशे का आदि बना दे रहे, तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इन लोगों को ये रोड पर बैठने की पाबंदी करे। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE प्लस एक्सीड सिलेबस विच इज फॉलोड इन 8 कंट्रीज, मॉडर्न प्लस इस्लामिक एजुकेशन, 5-step activity based and play way method. Launching separate branches for girls at Mogalpura and Khilwat. No heavy bags, locker for every student. Personality development through life skills, physical fitness and sports. Transport facility available. Hyderabad International School. Branches at Mogalpura, Khilwat and Chadarghat.